अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फिक्की और सादी सिंपल खिचड़ी। चावल ले लिए हमने, 2-3 कप चावल है और 1/2 कप मसूर की दाल। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद में वॉश कर लेंगे। आधी प्याज लिए हमने और अदरक लहसुन लेंगे 1 चम्मच। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे, इसमें अदरक लहसुन डालेंगे 1 चम्मच। प्याज और अदरक लहसुन दोनों को भी गोल्डन फ्राई करेंगे। हल्दी डालेंगे 1 चम्मच। प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और पानी। तो पानी हमारा जोश आ जाएगा जब हम इसमें चावल और दाल धोकर डालेंगे। पानी में जोश आ रहा है, अब इसमें हम चावल को धोकर डालेंगे। पानी अपने अंदाज से डाले, हमने अपने अंदाज से डाला है पानी इसमें, आप अपने अंदाज से डालें। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम पकने देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए, अब देखेंगे हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है या नहीं। कितनी अच्छी खिली खिली बन के तैयार हो गई है खिचड़ी हमारी, बहुत ही टेस्टी और लजीज लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।